हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसएसबी एग्जाम्स मैं हूं अनरा था और आज के सेशन होने जा रहा है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि जो भी पीपीटी स्टोरी आप लिख रहे हो उसको आप खुद कैसे असेस कर पाओगे सो यू ऑल नो दैट इन एसएसबी इंटरव्यू द फर्स्ट स्टेज ऑफ एसएसबी इज पॉल्ट स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें दो टेस्ट होता है फर्स्ट होता है ओ आई आर ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और सेकेंड होता है पीपीडीटी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट कैंडिडेट ज्यादातर इस पीपीडीटी को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ स्टोरी राइटिंग नहीं बल्कि स्टोरी नरेशन और जी ग्रुप डिस्कशन भी करना पड़ता है तो जो कैंडिडेट्स के मन में सवाल होता है कि जो मैं पीपीडीटी स्टोरी लिख रहा हूं क्या ये सही है क्या ये गलत है इसको मैं चेक कैसे करूँ कौन मुझे बताएगा कि क्या लैक कर रहा है इसमें इसको अगर मैं गलत कुछ लिखा हूं तो इसको मैं इम्प्रूव कैसे करूं तो आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको किसी की जरूरत नहीं है आप खुद असेस कर सकते हो कि जो भी स्टोरी आप पीपीडीटी के लिए लिख रहे हो वो आपके लिए आ, जो है आ, इम्पोर्ट जो है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं या वो सही है या नहीं अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो वो कहाँ है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ वो है कि जब आप पीपीडीटी स्टोरी लिख लोगे उसके बाद आपको एक पहला चीज जो लोजेट करना है वो है बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर मतलब आपके पीपीटी स्टोरी का एक इंट्रोडक्शन होगा एक बॉडी होगा और एक कंक्लूशन होगा और आपका जो पीपीटी स्टोरी होगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगा दैट मींस आपके स्टोरी में एक इंट्रोडक्शन होगा जो एक बैकड्रॉप सेट करेगा कि आपका सीन uh, कहाँ पे हो रहा है कैरेक्टर्स क्या कर रहे थे देन यू हैव टू बेसिकली अह, uh, in the body, in the main part of the story, you have put many actions or steps by which your hero has come to the situation and is using different steps or ways to achieve the target. Okay? And thirdly, यह जो भी heroic activities उनको करना है, वो कैसे कर रहे हैं? Thirdly, जो last में conclusion होगा, वहाँ पे आपको देखना है कि कंक्लूशन यानी स्टोरी कैसे कंक्लूड हो रहा है वॉट क्वालिटीज यू कुड सी इन योर कैरेक्टर्स और मेन कैरेक्टर के क्वालिटीज बेसिकली कंक्लूशन जो है वो हाईलाइट करता है तो ये तीन चीजें जो है आपको बहुत अच्छे से देखना है कि पिबीटर स्टोरी में ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका मेंटेन हो रहा है या नहीं सेकेंड चीज जो आपको एनालाइज करना है वो है कैरेक्टराइजेशन जो कैरेक्टर्स आप यूज कर रहे हो या स्टोरी में डाल रहे हो वो कैरेक्टर्स कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन करना होगा जब आप कोई भी पीपीडीटी पिक्चर देख रहे हो कि कितने कैरेक्टर्स है उनके एज क्या है उनके जेंडर क्या है उनके मूड क्या है इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का सिचुएशन हो सकता है कि कैरेक्टर्स का एज इतना होगा मूड इतना है जेंडर ये है तो लिखना कैसे पड़ेगा सेकेंड चीज वो करना है वो है हीरो का रोल आइडेंटिफाई करना आपका जो हीरो या प्रोटेगनिस्ट होगा स्टोरी का वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या जो गोल अचीव करने जाएगा उसके साथ वो कैसे रिलेट करेगा हाउ विल ही डिसाइड टू दैट ओके द प्रॉब्लम हैज टू बी और हाउ विल ही कम टू द डिसीजन दैट ओके लेट अस अचीव द गोल ठीक है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली uh, क्या करना है आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ये चीज जो है ध्यान में रखना है क्योंकि हीरो का रोल जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो करनी है वो है कॉन्सिस्टेंसी यानी जो आपके हीरो का एक्शन है बिहेवियर है इमोशनल्स फीलिंग्स uh, है जो आप दिखाओगे इमोशंस या फीलिंग्स या बिहेवियर जो भी आप दिखाओगे स्टोरी में क्या वो कंसिस्टेंट है एज पर हिज क्वालिटीज़ पता चला कि uh, आपका जो हीरो है वो पॉजिटिव क्वालिटी का है पॉजिटिव है ठीक है पॉजिटिव कैटर है लेकिन उनके जो इमोशंस फीलिंग है फीलिंग्स है बिहेवियर बहुत नेगेटिव है इससे क्या होगा कॉन्सिस्टेंसी विल बी नॉट बैलेंस्ड हियर तो आपको वो कॉन्सिस्टेंसी देखना पड़ेगा थर्ड चीज जो आपको इवेलुएट करना है वो है क्रिएटिविटी उस आपके स्टोरी से देखने को मिल रहा है या नहीं और ओरिजिनलिटी है या नहीं मतलब आपका प्लॉट आपका जो स्टोरी वो यूनिक है और ओरिजिनल है या नहीं मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं से देख के आपने वो स्टोरी लिखा है किसी के और किसी और के स्टोरी को आप कॉपी के पेस्ट कर रहे हो सो यू हैव टू सी दिस ओके दैट योर स्टोरी इज ओरिजिनल एंड दिस इज दैट यू आर राइटिंग द स्टोरी एज पर योर आइडियाज एज पर योर क्वालिटीज क्योंकि प्लीज याद रखिए पीपीटी स्टोरी इज नॉट अबाउट स्टोरी राइटिंग इट्स अबाउट प्रोजेक्टिंग योर ओन क्वालिटीज थ्रू द हीरोज क्वालिटीज राइट तो हीरो के अंदर जो क्वालिटी होगा वो आपके अंदर होना चाहिए इसलिए आपको तो स्टोरी के साथ रिलेटेड फील करना है नेक्स्ट इज इनोवेटिव सोल्यूशन आप दिखा रहे हो स्टोरी में क्या हीरो है resources को use करके, proper resource utilization के problem को यूज करके प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करना क्या वो इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज कर पा रहा है टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इफ सो हाउ ही इज रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स और शी इज रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ये आपको अच्छे से स्टोरी में शो करना है नेक्स्ट चीज जो आपको इवेलुएट करना है वो है कि पिक्चर के साथ स्टोरी का कनेक्शन या, या ज्यादा कैंडिडेट्स जो है, गलती करते है वो है डिफरेंस ऑफ रेलिवेंस बिटवीन द पिक्चर एंड द स्टोरी आपको नहीं करना है पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है वो आपके स्टोरी के मेन पार्ट में होना चाहिए तो यू हैव टू सी वेदर द स्टोरी इज अलाइनिंग वेल एलिमेंट्स ऑफ द पिक्चर शो ओके नेक्स्टली आपके स्टोरी में एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए कि नेचुरली आपका स्टोरी पास से स्टार्ट हुआ है फिर कुछ हुआ प्रेजेंट में कुछ हो रहा है फिर फ्यूचर में कुछ हो, होगा या हुआ है आपको ये नहीं करना कि स्टोरी पासेंट से सॉरी प्रेजेंट से स्टार्ट हुआ फिर आप फ्लैशबैक में पास में जा रहे हो फिर आप आ रहे हो फ्यूचर में फिर आप प्रेजेंट में वापस आ रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए लॉजिकल फ्लो होनी चाहिए आपके स्टोरी में नेक्स्ट चीज जो आपको देखना है चेक करना है वो है लैंग्वेज और क्लैरिटी आपके स्टोरी के थ्रू क्या लैंग्वेज जो आप स्टोरी में यूज कर रहे हो वो क्लियर है क्या टू द पॉइंट है ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे हो जितना जरूरत है उतना ही आपको स्टोरी में वो चीजें इंक्लूड करना पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस अननेसेसरी वर्ड्स या चीजें डिस्क्रिप्शन आपको नहीं इंक्लूड करना है ग्रामर और सिंटेक्स का स्पेशल केयर आपको रखना है कि कोई ग्रामेटिकल एरर स्पेलिंग मिस्टेक या एक वर्ड आप यूज करने गए उसके जगह पे आप दूसरा कोई और वर्ड जिसका कुछ दूसरा मीनिंग है वो यूज करो ऐसा ना हो और थर्डली है वोकैबुलरी आपको बहुत ज्यादा रिच वोकैबुलरी की यूज नहीं करना है राइट सिंपल इंग्लिश सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस ओके नेक्स्ट इस पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म को आपको चेक करना है कि आपके स्टोरी पढ़ के ऐसा ना लगे कि आपके आ, स्टोरी बहुत नेगेटिव है या आपका कैरेक्टर बहुत नेगेटिव सोच रहा है ठीक है जहां पे पॉजिटिव दिखाया गया है पॉजिटिव पिक्चर है वहां पे पॉजिटिव स्टोरी लिखी फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो एक पिक्चर में शो किया जा रहा है इज अ नोटिस बोर्ड बोर्ड एंड एंड सम सम आर आर देयर ऑन द द नोटिस नोटिस बेसिकली मे बी दे चेकिंग तो ऐसा मत कीजिए कि uh, ये एग्जाम का रिजल्ट है और आपका हीरो फेल कर गया ये क्योंकि ये नेगेटिव है है ना यहाँ पे कोई नेगेटिविटी ऐसा शो नहीं किया जा रहा है जिससे ये पता लग रहा है कि समथिंग बैड हैज हैपेंड तो बेकार में अगर आप नेगेटिव चीजें दिखा रहे हो इट विल शो दैट भैया आपको पॉजिटिव चीज दिखाया जा रहा है फिर भी आपका कैरेक्टर नेगेटिव सो रहा है इसका मतलब आप खुद ही नेगेटिव हो तो आपको एक पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करना है स्टोरी में अनटिल एंड अनलेस नेगेटिविटी इज नॉट शोन यू शुड नॉट ब्रिंग नेगेटिविटी इन द स्टोरी कैरेक्टर ट्रेट्स में भी आपको नेगेटिव कोई भी कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लाना इन कुछ ब्रिलियंट पॉजिटिव कैरेटरिस्टिक्स शो कर सकते हैं आपके हीरो का जैसे लीडरशिप क्वालिटी ब्रेवरी एम्फी एंड सो ऑन नेक्स्ट चीज आपको जो चेक करना है वो है फीडबैक uh, फीडबैक आपको क्या मिल रहा है तो आप अपनी स्टोरीज अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स अपने पियर्स और अगर आपके मेंटर्स आप कोई कोचिंग जा रहे हो या आपके कोई मेंटर जो आपको हेल्प कर रहे हैं एस प्रिपरेशन में उनसे आप चेक करवा सकते हो और वहां से जो आपको फीडबैक मिलेगा उस फीडबैक के बेसिस पे आप अपने स्टोरी को इम्प्रूव कर सकते हो सो फियर रिव्यू एंड मेंटर गाइडेंस कैन ऑल्सो हेल्प यू अदर देन योर सेल्फ असेसमेंट टू इम्प्रूव ऑन योर पीपीडीटी स्टोरी अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जिसके थ्रू आप अपनी पीपीडीटी स्टोरी बेटर वे में लिख सकते हैं वो है नंबर वन प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितना करोगे आप स्टोरी लिखना उतना आसानी से आप एस में भी पीपीटी स्टोरी लिख सकते हो

ट we'll डेवलप uh, so, करना है, है जबरदस्ती तो ये आपको आपके नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में शो करेगा तो ये आपको नहीं करना है बिल्कुल और अपनी ऑब्जर्वेशन के स्किल्स को एनहैंस करना है क्योंकि पीप्यूरिटी पिक्चर जो आपको एक्चुअल एस एसबी में दिखाया जाएगा वो बहुत ही ब्लर्ड होगा और आपको ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप अभी से छोटी छोटी चीजें जब भी कोई पिक्चर देखो कहीं पे आप जा रहे हो आपके एनवायरमेंट एम्बियंस चेक कर रहे हो तो आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स वहां पे वो चीजें देख के आपको बढ़ाना है ताकि आप एस में पीपीटी के टाइम पे ऑब्जर्वेशन स्किल्स के थ्रू चीजों को ऑब्जर्व कर पाओ और आपकी स्टोरी अच्छे से लिख पाओ दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन सेल्फ असेस योर ओन पीपीडीटी स्टोरी एंड एंड राइट बेटर वेरी गुड स्टोरीजी इन एस एस बी इंटरव्यू अगर आपको ऐसे अपने अपकमिंग एस एस बी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन लेनी है तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको एस एस बी के फाइव डे प्रोसेस के बारे में फुल जानकारी मिलेगी कॉन्सेप्ट लेक्चर्स स्टडी मटेरियल प्रेक्टिस एक्सरसाइजेस मिलेंगे और आप हमारे साथ हर रोज लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है सो डाउनलोड आर एस एस पी क्रैक एग्जाम से आप टूडे एंड यूज द कोड वॉर यर टेन वाइल यूर गेटिंग योर सर्व एनरोल टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस सो आज यू नेक्स्ट विद समथिंग मोर हेल्पफुल इनसाइटफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर योर अपकमिंग एस एस बी इंटरव्यू टिल देन स्टेट यून विद एस एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड जय हिंद अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है हैं और एस एस बी इंटरव्यू एन एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं